ठीक है। चलो मुक्कू, बाय बाय, ख्याल रखना। कल्याणी, कुछ पता लगा तुम्हारी टीम से? नहीं मल्हार जी, अभी तक नहीं। पर शायद से जल्द पता लग जाए। ठीक है। तो जानता हूं कि संपदा शादी के बाद अपने पति के साथ दुबई शिफ्ट हो गई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आई ने मोक्ष को किडनैप करके दुबई भेज दिया हो? मैं दुबई पुलिस डिपार्टमेंट में पता लगाता हूँ। कल्याणी, कल्याणी, तुम ये फोन पर क्या कह रही थी? अपर्णा ताई आई पिल्लू आत्या के पास है। उधर जाके खड़ी हो जा, देख नहीं रही है काम कर रही हूँ। ये तो वही लॉकेट है जो कल्याणी और मल्हार ने खुद अपने हाथों से मोक्ष को पहनाया था। ये लॉकेट किसी भी हालत में कल्याणी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। हाँ, कौन है अभी? उफ, यशवंत भाव क्यों फोन कर रहे हैं? मटका बाबा मटके के अंदर देखकर सब कुछ बता सकते हैं। अगर मैंने ये मटका आई को दे दिया तो आई मटके के अंदर देख के अपने मोक्ष का पता तो कर सकती है। मटके को ढाक देती हूँ ताकि कोई मटके के अंदर पहले न देख पाए। ढूंढ रही थी ना, मैं बताती हूँ कि तुम्हारा मोक्ष कहाँ है। क्या मतलब? वो मटका बाबा है ना, वो मटके के अंदर देखकर सब कुछ बता देते हैं। वैसे ही तुम भी मटके के अंदर देखकर अपने मोक्ष का पता कर सकती हो। तो चलो बताओ क्या है इस मटके के अंदर। ये देखो। कल्याणी, मल्हार जी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या संपदा और आत्या के बारे में? मुक्कू, 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 क्या हुआ? मुक्कू रुक जा, लग जाएगी। मुक्कू, मल्हार आराम से। हाँ, बच्ची है, गर्दन नाजुक होगी, आराम से। जरा पूछ उसे अंदर मोक्ष मिला कि नहीं। आओ साहब, हम भी ना। मुक्कू, मुक्कू तू घबरा मत, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। निकालते हैं मुझे। आई रुको ना, सब कुछ काला काला दिख रही है, निकालो मेरे को, इधर तो कुछ है पता नहीं। देखा कितनी बकवास करती है, इसकी सजा यही है कि इसको अब ऐसे ही रहने दो, हिलना मत यहाँ से। मल्हार जी आप भी क्या बच्ची के साथ साथ बच्चे बन के लड़ रहे हो उसके साथ? मल्हार जी प्लीज कुछ करिए ना, मटका निकालिए इसके सर से। मल्हार जी प्लीज, मुक्कू तू डर मत, करो जल्दी कुछ करो। एक सेकंड। ऊपर वाला सब देख रहा है साहब, बच्चे का सिर फोड़ के तुमको क्या मिलेगा? इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम चुप रहो ना। अरे निकालो मुझे, भगवान के लिए छोड़ो। अरे भगवान के लिए छोड़ दूंगा, फिर दही हांडी पे इस्तेमाल करूंगा तुझे। चुप बिल्कुल। मल्हार जी बोल कितना रही है, निकालिए आप में से। शाम तक सारे शहर में अपर्णा के पोस्टर लगे होने चाहिए। अब मैं इसका मुंह धुलवा के लाती हूँ। चल मुक्कू। वाह, मेरे को ये लॉकेट उठाना पड़ा। वर्क का मतलब होम यानी घर, वर्क यानी काम, तो यानी कि घर पे किया जाने वाला काम। अपन तो होमवर्क रोज करती है। सुबह पानी की लाइन में खड़ी होती है, फिर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ। अम्मा ना मेरे को रोज होमवर्क देती हैं। अब क्या तुम भी मुझे होमवर्क दोगी? नहीं नहीं मुक्कू, कभी नहीं। मैं तुझे ऐसा होमवर्क कभी नहीं दूंगी। अब आओ साहब, जाने दीजिए ना। हो सकता है कि सच में उन्हीं का हो, क्योंकि मुक्कू कह तो रही थी ना कि कुछ छूट गया है, मटके के अंदर कुछ है। मुक्कू बेटा, मुंह धो के हो गया ना, चल घर चल बेटा। अब रुक जाइए प्लीज, मुक्कू को मत लेकर जाइए। मन से कर, मेरा मतलब है कि मैं आपकी मुक्कू को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं मुक्कू को गोद लेना चाहती हूँ। अनुप्रिया, तुम खड़े खड़े तमाशा देखती रहोगी क्या? अरे समझाओ ना अपनी बेटी को, देखो कैसी बेतुकी बातें कर रही है। लेकिन आओ साहब, कल्याणी जो भी कह रही है वो गलत नहीं है ना? हाँ हाँ, सब सही कह रही है। गलत तो सिर्फ इस घर में हम ही हैं, बाकी हमारे अलावा सबको बहुत अकल है। कोई हमसे भी पूछो, हम अपने नातिन को आप बड़े लोगों के पास क्यों रखेंगे? अरे कल को आपको आपका बेटा मिल जाएगा, रानी बना के रखोगे ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको जुबान देती हूँ, वादा करती हूँ आपसे, जब मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा उसके बाद भी मैं हमेशा मुक्कू को अपने बच्चे जैसा ही प्यार दूंगी। और वैसे भी उनका रिश्ता ना होते हुए भी किसी को अपनाना, ये मैंने अपनी आई से सीखा है। और मुझे मेरी आई के संस्कारों पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारी अम्मा का इलाज भी करवाऊंगी। उनके चेहरे पे जो निशान आ गया है ना, वो भी हम ठीक करवा देंगे। और फिर अम्मा आती रहेंगी ना तुमसे मिलने के लिए। हाँ मान जाइए ना। और आप मुक्कू को मिलने कभी भी आ सकती है, और हम सब मिलकर आपका भी ख्याल रखेंगे। अम्मा, ओ अम्मा, मेरे को इधर पे रहने को दो ना। मेरे को ना आई फाई बहुत अच्छी लगती है। मेरे को इधर पे आई फाई के साथ रहने को दो ना। हुआ क्या है साहब, क्यों रोक के रखा है? सॉरी मैम, थोड़ी गलतफहमी हो गई है। असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। आप जा सकती हैं। तस्वीर देखकर भी एक औरत को ठीक से नहीं पहचान सकते? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? काका, यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? हाँ काका, बस कुछ तहकीकात के लिए आया था। देशमुख परिवार के सब लोग धोखेबाज हैं ना? आपको क्या लगा के आपका ये गेम प्लान मैं नहीं समझ पाऊंगा। सच में जान गया हूं आपसे, और सच ये है कि इतने सालों से मोक्ष अपर्णा के पास है, ये बात आप सब जानते थे। और कल्याणी ये नाटक जो मोक्ष को ढूंढने का करती है वो सिर्फ इसलिए था ताकि अवनी और मल्हार एक दूसरे से दूर रहें। और उसके उस नाटक में मेरी प्रिय धर्म पत्नी अपनी चालाक बेटी का साथ दे रही थी। वो कौन तुम और समझते क्या हो अपने आप को? आओ साहब, क्या कर रहे आओ साहब आप? हाँ, निकल जाओ यहाँ से। क्यों इतने मुंह लग रही है? हाँ, आपका बीपी बढ़ जाएगा उसमें। शांत हो जाइए। ठीक कहा तुमने अनुप्रिया। मुंह तो मुझे इनके लगने की जरूरत नहीं है। मेरे भतीजे की भावनाओं के साथ खेलने के लिए आप सबकी नाक अपने जूते से रगड़ पाऊंगा, याद रखना। सार्थक राणे नाम है मेरा। ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या। कल्याणी, वो तुम्हारे मुक्कू गोद लेने के फैसले से मैं सहमत हुआ, मतलब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हाँ, और नाकाबंदी ठीक से कर दी है, ध्यान रहे। चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए। हो सकता है पोस्टर देखने के बाद अपर्णा पूरी कोशिश करेगी भागने की, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक एक चेक पोस्ट ठीक से चेक करना। पोस्टर लग गए ना सारे अपर्णा के? हर गली, हर चप्पे, हर कोने पे पोस्टर लगे होने चाहिए। ठीक है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा मल्हार जी, आखिर आत्या की पिल्लू से क्या दुश्मनी है? तुम क्यों कर रही है पिल्लू के साथ ऐसा? इस औरत को दिखाई कहीं पे? नहीं सर। ध्यान से देखो सर। ध्यान से देख रहा हूँ, दिखी ही नहीं। दिखे तो बताना। ओके सर, ठीक है। भाव, मैं अभी आती हूँ। हाँ, रखने का नहीं है क्या मेरे को? मैं वापस जाऊं? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू है। हाय, बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे ना एक बात अच्छी नहीं लगी, तो अपनी नानी को बताए बगैर क्यों आई? और वैसे वो तो तुझे छोड़ने आने वाली थी ना। मैं क्या करूँ आई-फाई, मेरे को उधर पे रुकने को कुछ नहीं हो रहा था ना। कोई बात नहीं। तो तेरी नानी का नंबर वगैरह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं किसी को ना तेरी नानी के घर भेज देती हूँ। वो ने इन्फॉर्म कर देंगे कि मिली मुक्कू मेरे पास आ चुकी है। अच्छा चल, अभी तुझे कंजक पूजा के लिए भी तो तैयार करना है ना। लेकिन कपड़े में खुद ही बदलेगी। हाँ, याद है मुझे। चल। तुम तो ना एकदम हीरोइन जैसे कपड़े पहनती हो। तो क्या अब ममता के आंचल के लिए मुझे साड़ी पहनना शुरू कर देना चाहिए? वैसे आई-फाई, अगर तुम साड़ी पहनोगी ना तो एकदम रापचिक लगोगी और फिर मैं हीरो जैसे आके तुम्हारे आंचल में छुप जाऊंगी। अच्छा हीरो जैसे, यही तो समझ में नहीं आता कि इतनी प्यारी और क्यूट डॉल जैसी लड़की को हीरो क्यों बनना है। क्योंकि मेरे को ना हीरोइन जैसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूजा में ना बहुत शक्ति होती है, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करना। देखना हमारा मोक्ष ना जल्दी ही मिल जाएगा। हाँ लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, पूजा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर माँ का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ। पूजा में गलती हुई तो आईफाई को पाप लगेगा। आईफाई को पाप नहीं लगना चाहिए, आईफाई को पाप नहीं लगना चाहिए, आईफाई को पाप नहीं लगना चाहिए। मुक्कू तो यहाँ है क्या? चुनरी ये गहने, मुक्कू ये सब उतार के कहाँ चली गई? मुक्कू, 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 आइफा कहाँ है? आइफा को पाप नहीं लगने दूंगी मैं। आइफा! चल मेरे साथ, चल। तू चाहती है ना उसे पाप ना लगे, तो अगर तू पूजा में नहीं बैठेगी तो उसे पाप कैसे लगेगा? हाँ अम्मा, अगर मैं पूजा में नहीं बैठूंगी तो आइफा को पाप भी नहीं लगेगा। अम्मा चलो यहाँ से। चल। मुक्कू, 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 जाने कहाँ चली गई ये लड़की? मुक्कू, अगर लड़की वाले कपड़े पहनूंगी तो तुम। हाँ याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा है? अगर तूने किसी को भी बोला कि तू लड़की नहीं लड़का है, मैं मर जाऊंगी और फिर हमेशा के लिए तुझे अकेले रहना पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मा, आप ऐसा मत बोलो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको नहीं मरने दूंगी अम्मा। अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। ताकि पूजा भंग हो जाए। पूजा तो मैं करके रहूंगी काका, फिर चाहे मुझे पूजा सिर्फ मुक्कू के साथ ही क्यों ना करनी पड़े। और रही बात मुक्कू के गुम होने की, तो वादा करती हूँ आपसे, इस घर में पूजा भी होगी और मैं मेरी मुक्कू को वापस भी लेकर आऊंगी। आज तुझे मैं लड़कों के कपड़े सिर्फ इसलिए पहना रही हूँ ताकि कल्याणी तुझे पहचान ना पाए, वरना अगर उसने तुझे पूजा में बिठा लिया तो उसको पाप लग जाएगा ना। अम्मा, आप तो लोगों के बारे में बहुत सोचती हो। आज आपकी वजह से आई-फाई को पाप लगने से बच गया। आप बहुत अच्छी हो अम्मा। फोन करके सबको बता देता हूँ और मुक्कू की नानी की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। मुक्कू मिल जाएगी। कल्याणी, तुम फिक्र मत करो, इतनी आसानी से उसकी नानी उसको लेकर नहीं भाग पाएगी। जी देखिए ना, पहले ही अपने बच्चे को खो चुकी हूँ मैं, अपने पिल्लू को खो चुकी हूँ पहले। मैं मुक्कू को नहीं खोना चाहती। मल्हार जी प्लीज, मल्हार जी मुक्कू को ढूंढ लीजिए। कुछ नहीं होगा मुक्कू को, मैं हूँ ना कल्याणी, मैं किसी भी हालत में मुक्कू को ढूंढ निकालूंगा, तुम परेशान मत हो बस। मल्हार जी देखिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, स्पेशल टीम की, ज्यादा फोर्स की, कुछ भी जरूरत हो आप मुझे बताना, मैं ऑफिस से आपको लेटर भिजवा दूंगी। और आप कहाँ पर हैं? आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है कल्याणी, मैं भेजता हूँ। काका रुक जाइए, क्या चल रहा है ये सब? अरे आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि आप दोनों हाथापाई पे उतर आए? तुम मुझे क्या समझा रही हो? इस पागल को समझाओ ना। इसने हिम्मत भी कैसे कर ली ये सोचने की कि जिस हत्यारे ने मेरे बेटे नल की हत्या की, उसकी पत्नी का दोहरे जीवन मैं इस घर में होने दूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, मल्हार या उसकी पत्नी ने अगर मेरे घर वालों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो नहीं उनकी लाशें यहाँ से वापस। इससे पहले कि आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी ये ब्लैकमेलिंग की वजह से मैंने हाँ की है, लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है काका। मेरी आई अवनी की सास है और उस नाते इनकी जिम्मेदारी है अवनी की गोद भराई करें। ये फैसला करने वाली तुम कौन हो? हाँ, अभी हम जिंदा हैं ना इस घर में, हम कभी नहीं चाहेंगे कि अवनी का दोहरा जीवन इस घर में हो। अरे राणे परिवार के वंश के लिए जाने दो कल्याणी। जाने दो। तुम्हारे जज्बात समझने के लिए जितना बड़ा दिल चाहिए ना, वो इनके पास नहीं है। लेकिन तुम एक बात समझ लो, तुम्हारी आई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। आई मुक्कू मिल जाएगी ना। विश्वास रखो कल्याणी, मुक्कू मिल जाएगी। क्या हुआ भाव? आगे काम चालू है रास्ते का, दूसरे जगह से लेना पड़ेगा रिक्शा। अच्छा ले लो, थोड़ा जल्दी पहुंचा दो भाव। ठीक है मैडम। ये मुझे मेरी मुक्कू से मिला दो प्लीज पापा, प्लीज। मुझे मेरी खुशियों की वजह मत छीनो। बापू, मैंने आपका चश्मा थोड़ी देर के लिए लेके जा रही हूँ, नक्की वापस आके दे दूंगी, नहीं तो अम्मा बिना चश्मे के कैसे देख पाएंगी। ये मुक्कू मरवाएगी मुझे। अगर मल्हार ने ये खड़ी हुई रिक्शा देख के यहाँ पूछताछ करने आ गया तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी गोद भराई के फंक्शन में तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहनूंगी? एक बात बोल देती हूँ कल्याणी, मेरी गोद भराई के फंक्शन में मेरे आसपास भी दिखाई मत देना। तुम जैसी औरत का साया मैं अपने बच्चे पे पड़ने भी नहीं दे सकती। ऐसी औरत जो अपने बच्चे को नहीं संभाल पाती। और हाँ, गोद भराई का फंक्शन तो सिर्फ सुहागनों के लिए होता है ना। ना तो तुम सुहागन हो और ना ही माँ। चलेगी ना? तुम दोनों का नाटक खत्म हो जाए तो अंदर आ जाना। अनुप्रिया, तुम्हें अच्छे कपड़े पहन के आना है और चेहरे पे एक स्माइल रखना, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। दिन भी बड़ा है। वो क्या है ना कि जब जब कल्याणी परेशान होती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे मन में पार्टी चल रही है। आप ये मत समझिए कि कल्याणी जवाब नहीं दे पा रही इसलिए चुप है। उसे इसलिए चुप है क्योंकि वो किसी बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती। आई 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 देखो, शांत हो जाओ। तुम इधर आओ। तुम बैठो इधर, शांत हो जाओ। आई आई देखो, कोई बात नहीं। इतना खड़ूस हो, जिद्दी हो। और आई, ये बच्चा तो पिल्लू का भाई या बहन होगा ना, तो क्या मैं मल्हार जी के बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? आई जो भी हो, मल्हार जी का बच्चा पिल्लू भी तो स्पेशल होगा ना। आई प्लीज मत रो। आई लगता है लोगों में इंसानियत ही खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं ये लोग? कल्याणी तुम्हें जवाब देना चाहिए था ना उन्हें। स्वरा देखो, रिलैक्स। तुम जानती हो मुझे स्वरा, अगर मैं जवाब देने पे उतर आऊं ना तो सबकी बोलती बंद कर सकती हूँ। आज अवनी का स्पेशल दिन है और मैं ऐसे खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए आज नहीं। देखो तुम मस्त है, इधर से खरीदे। खरीदे नहीं है, कमाने पड़ते हैं। ये स्टार्स हम पुलिस वालों को मिलते हैं इंसानों की रक्षा करने के लिए, समझी? सही है बिडू, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि लोगों की रक्षा करने के लिए ये तारों की जरूरत पड़ती है। चुप चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप बैठो। वैसे पुलिस। चुप। अरे पुलिस ठीक है। ओफो, एक काम करो, तुम 10 लीटर वाला कुकर चढ़ाओ पहले। हाँ ठीक है, बस आई रही हूँ मैं, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, खाने बनाने वाले लोग कहाँ हैं? आप मुझे बताएंगे प्लीज? आप चलिए, मैं ले चलती हूँ। चलिए। अपनाएगा भी नहीं का क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रही थी, समझ में नहीं आया। पता नहीं। थैंक यू। अरे अनुप्रिया जी सुनिए ना, आप अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं? जब से बाहर खड़ी है लेकिन नजरें उसकी अंदर की तरफ ही हैं। लगता है अवनी के बच्चे को नजर लगा के ही छोड़ेगी। और नहीं तो क्या, अभी एक बार अवनी ने मना कर दिया कि मेरे बच्चे से दूर रहो, तो क्या गलत है उसमें? और वैसे भी कोई भी माँ अपने होने वाले बच्चे को ऐसे अपशगुनी औरत से बचा के रखेगी ना। अवनी कल्याणी के ऊपर इल्जाम लगा रही थी और अवनी को यहाँ से कल्याणी ने नहीं, मैंने भेजा था। और आपके बदले के लिए ना मैं कल्याणी को दुख नहीं पहुँचा सकता। मैं मल्हार जी देखिए, रुक जाइए मल्हार जी, देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, आज अवनी का स्पेशल डे है, ऐसे खराब मत करिए सब उसके लिए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज कल्याणी ठीक बोल रही है और सही बात है भी, और ये फंक्शन अवनी के लिए बहुत मायने रखता है। तो अपना मूड ठीक करो और अंदर आ जाओ, उसका दिल मत तोड़ो। चलो। तुम्हारी मनमानी चलेगी ना, ठीक है? जाता हूं मैं अवनी के पास, लेकिन काश मैं तुम्हें बता सकता कि मुझे मुक्कू से मिलना है। पता नहीं क्या बात है, जो मल्हार जी कहते कहते रुक जाते हैं। काश मैं तुम्हें बता पाता कि अवनी और मेरा सच क्या है, काश। पापू ने कहा था जब राड़ा खुद ने किया हो ना तो माफी भी खुद को ही मांगनी चाहिए, और अच्छे से माफी मांगना, कान पकड़ के। मुक्कू देख, चलो आप। मल्हार जी आप ना। मुक्कू प्लीज अंदर जाओ। क्यों, पुलिस की धुलाई होने वाली है क्या? अच्छा ठीक है, जाती हूँ। धोखा दिया आपने मुझे, आपने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला है मुझसे। कैसे आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया? आप मुझसे झूठ बोलते गए और मैं भी बेवकूफ बनती गई, आपकी सारी बातों पे यकीन करती गई। कैसे मल्हार जी, कैसे आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कैसे आपने मुझे बोल दिया कि आप अवनी के साथ शादीशुदा है और वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है? और मैंने आप पर यकीन भी कर लिया। कितनी स्टूपिड हूँ मैं, और भी बहुत झूठ बोले होंगे ना आपने मुझसे। हाँ? और कितने झूठ बोले आपने मुझसे? हाँ, और क्या क्या झूठ बोले, क्या क्या छुपाया आपने? किस मुंह से सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जिसने कुछ छुपाया है। कब से पूछ रहा हूँ कि इन 5 सालों से कहाँ थी तुम, क्यों मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुमने? इन 5 सालों में ख्याल आया कि मैं जिंदा भी हूँ कि मर? मल्हार जी, मुक्कू, ये पुलिस की हथकड़ी को हाथ कैसे लगाया तुमने? चाबी दो। सजा है। जब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करोगे तो सजा तो मिलेगी ना। और झगड़ा करना ना बुरी बात है। अब तुम दोनों को ना मैं सीधा करती हूँ। चलो। चाबी। नहीं। मुक्कू। ए चाबी दो। मुक्कू छोड़ो से। मुक्कू। मुक्कू। मुक्कू रुको। कल्याण। मुक्कू। मुक्कू रुको। कल्याण। मुक्कू। मुक्कू। मुक्कू देख। मुक्कू देख प्लीज हथकड़ी खोल दे। मुक्कू। मुक्कू ये। मुक्कू। अरे मुक्कू। मुक्कू। जब मैं गली के लड़कों के साथ झगड़ा करती थी ना तो अम्मा भी मेरे को ऐसे ही कमरे में बंद करती थी। अब ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम लोग की मांडवली नहीं हो जाती। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब नीच कौन साबित हुआ? बोलो बोलो, इसका बच्चा नाजायज है? साहब जाने दीजिए ना, उस बच्चे को क्या कोसना जो इस दुनिया में आया ही नहीं है। वाह 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 वाह, जगत माते धन्य है। अरे भूल गई क्या, तुम्हारी बेटी की बेइज्जती भी इसी औरत ने की थी। हाँ तो इसी की लायक है ना इनकी बेटी। इनकी बेटी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? जब सबको पता चलेगा कि मेरा बच्चा। मेरी जिंदगी खराब कर दी आपकी बेटी ने। ऐसा नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। अरे 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 अरे, कहाँ लेकर जा रहे हो इतनी जल्दी? क्या हुआ वकील साहब, दोहार जीवन का सारा उत्साह खत्म हो गया क्या? बहुत नाच रहे थे, डोहार जेवन करना है, डोहार जेवन करना है, यही करना है। उत्साह देखकर हमें तो ऐसा लगा कि बच्चा इसकी कोख में नहीं तुम्हारी कोख में पल रहा है। अजीब, चलिए आप। कल्याणी यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझे? यहाँ क्यों लाई हो मेरे घर पे? क्या लगता है तुम्हें मोक्ष का वास्ता देके तुम मुझे रोक लोगी? विवेक की मौत मेरे हाथों लिखी है। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी रुक जाइए। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए मल्हार जी। आपकी इसी गुस्से की वजह से आप एक गलती कर चुके हैं, मुझ पे गोली जलाकर। उस वजह से आपका डिमोशन हो गया था और अब आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? आप कि आपकी नौकरी चली जाए? मैंने तुम पे गोली नहीं चलाई थी कल्याणी। मैं त्रिलोक पे गोली चला रहा था, उस पर निशाना लगाया था मैंने और निशाना चूक गया और गोली तुम्हें लग गई। मर चुका है वो मराठी आपकी वजह से। आपने मार दिया मेरे बच्चे को। तुम्हें लगता है मैंने तुम पे गोली चलाई थी? सोच भी कैसे लिया तुमने कल्याणी? मैं जीते जी मर जाऊंगा कल्याणी, लेकिन मैं आज नहीं आने दूंगा। तुम्हें सच में ऐसा लगा मैंने तुम पे गोली चलाई थी कल्याणी? तुम्हें लगा कि मैंने तुम पे गोली चलाई थी? मल्हार जी, मल्हार जी, कल्याणी, मल्हार जी, तेरा मेरा ये सफर जाने ले आया किधर। ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चूर के, माना दिल दा ही मेरा है कसूर। ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिल दा ही मेरा है कसूर। ऐसे कोई भी ना होवे काफे को बच्चा दिला दो ना भगवान, नहीं तो फिर समोसे कैसे मिलेंगे। हाँ अरे मिला दो ना, बहुत भूख लगी है। अब किसका फोन आ गया? अरे ये तो हाईफाई का फोन है। देख फोन उठा के, हो सकता है तेरी हाईफाई को मोक्ष मिल गया हो। हाँ उठा के देखती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो कल्याणी, अगर तुम्हें मोक्ष से मिलना है तो आज शाम 7 बजे गणेश मंदिर के आगे वाले गार्डन के पीछे वाले गेट पे आके मुझसे मिलो। और हाँ मुक्कू को अपने साथ जरूर लाना। अगर इस बारे में तुमने मल्हार या किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी बोला ना तो मोक्ष तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मोक्ष का नाम सुन के कल्याणी यहाँ जरूर आएगी। अब उसे क्या पता कि जिस मुक्कू को वो अपने साथ ला रही है वही मोक्ष है। बस एक बार मोक्ष मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं इस कल्याणी को जख्मी करके मोक्ष को लेके यहाँ से भाग जाऊंगी। एक बार मोक्ष को मैं उस आदमी के हवाले कर दूं, फिर मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी मैं, बहुत दूर। हम लोग को अब कैसे भी आईफाई को उनका मोक्ष दिलाना पड़ेगा। लेकिन वो जो फोन आया था ना उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अरे वो तो ठीक है, पर तेरी आईफाई हमारे साथ नहीं है, फिर वो फोन वाली आंटी हमको मोक्ष थोड़ी ना देगी। अरे टेंशन लेने का नहीं, देने का। अपू उनके पास एक मस्त आइडिया है। टकाटक टकाटक। अपन भी देखते हैं कि ये फोन वाली आंटी मोक्ष को कैसे नहीं देती हैं। मल्हार जी, अगर ये सच था तो आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया मल्हार जी? मैं टूट चुका था कल्याणी। तुम्हें और मोक्ष को खोने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि किसी के ताने किसी की गालियों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मल्हार जी मैं कभी तुम पे आज नहीं आने दे सकता। मैं मानती हूँ मल्हार जी, मैं मल्हार जी आपके घर की खिड़की से कोई भाग रहा है। ए रुक, हट। अरे अहीर कहा था मैंने ऐसे कमरे के अंदर रहने के लिए, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। हेलो। हाँ मैं डॉक्टर मोहित बोल रहा हूँ। ये आपकी बेटी का नाम मुक्कू है क्या? हाँ मेरी बेटी का नाम मुक्कू है। कहाँ है वो? क्या हुआ? अब आपका एड्रेस? अच्छा डॉक्टर मोहित क्लिनिक। जी हाँ, मैं पहुँचती हूँ। इनफैक्ट मैं तो आसपास ही। हाँ मैं तुरंत पहुँच जाऊँगी। अब ड्राइवर जेपी नगर रोड। ड्राइवर वही आगे लेफ्ट में रोको। दुर्गा प्रसाद जाने किसी देख के भाग गया। दुर्गा प्रसाद सुनिए ना आप जरा प्लीज दुर्गा प्रसाद के पीछे जाइए, मुझे अर्जेंटली क्लिनिक के अंदर जाना होगा। आप उसे लेकर आइए। हाँ इसलिए हम लोग अम्मा को इधर पे लेके आए हैं ताकि उसे होश आ जाए और वो आपको मोक्ष का पता बता सके। मुक्कू की नानी ने मुझे मोक्ष के बारे में बताने के लिए कॉल किया था कि मुक्कू की नानी को मोक्ष के बारे में कैसे पता? ये क्या कनेक्शन है? बीमारी, ये सब सिर्फ एक नाटक था। हो कौन आप? कौन है आप? और मेरे मोक्ष के बारे में कैसे जानती? बताइए, मेरे मोक्ष के बारे में कैसे जानती हैं आप? मेरा पैंट मत गिर ना। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दीजिए मुझे। आप ऐसे जवाब नहीं देंगी, ठीक है? पुलिस के पास लेकर जाती हूँ मैं आपको। पुलिस ही सीधा करेगी आपको और तभी आप मुझे जवाब देंगी। छोड़ो, छोड़ो। कौन है आप? हाँ, छोड़ो। कौन है आप? मेरे मोक्ष के बारे में कैसे जानती हैं आप? देखिए, मैं मोक्ष की माँ हूँ और मुझे किसी भी हालत में मेरा बच्चा वापस चाहिए। बताइए मोक्ष कहाँ है? बताइए मोक्ष के बारे में कैसे जानते हैं आप? अरे छोड़ो मुझे। अरे कौन है आप? बताइए ना। छोड़, मेरी पैंट उधर जाएगी। अरे सबको पता चल जाएगा कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? अपने खुद के भाई को उनके बच्चे के लिए क्यों तरसाया? क्यों तुमने मुझे अपने बच्चे से 5 साल तक दूर रखा? क्यों इस नन्ही सी जान को 5 साल तक उसके माँ बाप से दूर रखा? बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिगाड़ा है तुमने और दादा ने। 5 साल जेल में गुजारे मैंने, और जानती हो जेल की पथरीले फर्शों पर रातें गुजारने से क्या असर पड़ता है? अरे भावनाएं खत्म हो जाती है सारी। और सच बताऊं, मुझे मोक्ष को मारने में ना कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। और असली खुशी पता कब मिलेगी? जब तुम्हारा बच्चा मरेगा और जिंदगी भर जब तुम्हारे आंसू निकलेंगे ना, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। कल्याणी, तुमने सिर्फ मुझसे मेरे 5 साल नहीं छीने, तुमने मेरे दादा को भी मुझसे छीन लिया। मेरे 5 साल मुझसे छीन लिए। दादा बड़ा प्यार करते थे मुझसे। हाँ, तुम्हारी संगत में आके दादा मेरे खिलाफ हो गए। मेरी जिंदगी में सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा तुमने। अहीर देखो, मेरी बात सुनो। देखो, कुछ ऐसा मत करो कि तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़े। अरे कौन भेजेगा जेल मुझे? मल्हार जी को जब सच पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और कौन बताएगा सच? हाँ, अरे जब यहाँ से बचकर जाओगे तब बताओगे ना दादा को। और तुम दोनों को आज मरना होगा। नहीं। और मेरे हाथों से मरना होगा। हाँ? छोड़ो मेरी आशा को, छोड़ो। ठीक है, तुम चलो। 5 साल तक मैं तड़पता रहा। पिल्लू रुक जा, मैं अंदर छुड़ा दूँ तुझे। पिल्लू तो ठीक है ना? हाँ, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं आई पाए। पिल्लू, पिल्लू आई पाए। आई पाए, ये सच है ना? तुम्हें मेरी आई हो ना? ये तो 1000 आइसक्रीम से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ पिल्लू, मैं जानती हूँ कि एक सपने जैसा है, लेकिन ये सपना सच है, हकीकत है। मैं ही तेरी आई हूँ। बड़ी गलती की है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तक तो सिर्फ मैं मोक्ष को ऊपर वाले के पास पहुँचा रहा, लेकिन अब पूछ रहा हूँ उसके साथ साथ तुम्हें भी मोक्ष प्राप्ति करा दूँ। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरे बच्चे का नाम भी लिया तो। नाम नहीं लेता हूँ पर जान तो ले सकता हूँ ना। हाँ जान तो ले सकता हूँ तुम लोग की। 5 साल तक मैं जेल में तड़पता रहा। हाँ जिंदगी मेरी जिंदगी बर्बाद की तुम्हें। क्यों? छोड़ दो मेरी आवाज़ को, छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को। अरे मेरी आवाज़ को छोड़ दो, प्लीज प्लीज मेरी आवाज़ को छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को। गणपति बप्पा बचा लो मेरी आवाज़ को। ए छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को। अरे छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को। गणपति बप्पा प्लीज गिरना मत, मेरी आफा को चोट लग जाएगी। नहीं नहीं मत गिरो प्लीज। अरे यार गाड़ी कैसे चालू हो गई? फुटेज दिखाते रहो, मुझे किसी भी हालत में बच्चा चाहिए, किसी भी हालत में। हाँ ठीक है। अपने भाई के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए उस बच्चे को ढूंढना ही होगा। उस बच्चे का कुछ पता चला? मुझे वो बच्चा किसी भी हालत में चाहिए पवार। पुलिस को तो पता ही नहीं है कि वही मेरे बाबा हैं। अब मैं कैसे देखूं उनको? अच्छी तरह से उस लोकेशन की जांच करो। मैं भी उस लोकेशन का वीडियो चेक कर रहा हूँ। आसपास के लोगों से पता लगाओ कि ये जगह किसके नाम पर है। पुलिस, पुलिस, अरे पुलिस मेरी बात तो सुनो। ओ पुलिस, मैं ही तुम्हारा मोक्ष हूँ। अरे पुलिस मैं मोक्ष हूँ, देखो ना मेरी तरफ। बाबा हो तुम मेरे, अरे सुनो। ओ पुलिस, पुलिस! अरे पुलिस, कान में क्या भोंकू लगा के रखा है तुमने? कानपुर में हड़ताल है क्या? मेरी बात तो सुनो, बाबा हो तुम मेरे, देखो ना मेरी तरफ। अगर ये बच्चा इसी गैंग के साथ जुड़ा रहा तो आने वाले वक्त में ये बच्चा बहुत ही शातिर और खतरनाक मुजरिम बन सकता है। उस बच्चे को रिमांड होम पहुंचाने के लिए आपकी बहुत जरूरत है। बाबा, पुलिस, बाबा, पुलिस तो मेरे बाबा है ना। नहीं नहीं पिल्लू, देख इन्हें बाबा मत बोल। क्यों? चल बाहर चल, चल। मुझे बाबा से मिलना है। किसी ने बाबा बोला क्या? लेकिन क्यों? मैं पुलिस को बाबा क्यों नहीं बुला सकता? तुमने ही तो बोला था ना आए पाए कि वही मेरे बाबा है। मुझे मेरे बाबा से मिलना है, मुझे अभी मेरे बाबा चाहिए। चलो ना आए पाए, मुझे उनकी गोदी में एक बार चढ़ने का है। वो थोड़े से खड़ूस है लेकिन फिर भी मुझे एक बार उनको पप्पी देने का है। और फिर मैं बाबा से बोलूँगा कि मेरे को साइकिल ला के दे। वो खुद ही पीछे से पकड़ के मुझे साइकिल चलवाना सिखाएंगे। और फिर ना मैं पुलिस की परी बनूंगी। यार कितना एड़ा हूँ ना मैं परी क्यों बनूंगा? मैं तो परापन गैला हूँ ना। मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। मुझे बार बार लड़कियों की तरह बोलने की एक्टिंग जरूरत नहीं है। चलो चलो। देख पिल्लू, देख मेरी बात सुन पिल्लू, तू तो अपने बाबा से मिलना, लेकिन लेकिन अभी नहीं। हाँ इस वक्त नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी अपने बाबा से मिलने का है। मैं पुलिस का बेटा हूँ ना, इसलिए मेरे को उनको बताने का है कि मैं ही उनका मोक्ष हूँ और वही मेरे बाबा हैं। अब चलो आफर। नहीं 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 पिल्लू देख, प्लीज प्लीज अभी नहीं पिल्लू, प्लीज अभी नहीं। अरे आफर रोका क्यों ले ली हो? नहीं नहीं, इस हालत में मैं पिल्लू को मल्हार जी से नहीं मिलने दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ ना मल्हार जी को, ये जानकर भी कि मोक्ष उनका बेटा है वो कभी अपनी वर्दी के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। मैं मेरे पिल्लू को रिमांड होम नहीं जाने दूंगी। मैं पिल्लू को मल्हार जी से दूर रखूंगी। पिल्लू की भलाई के लिए मुझे अब ये करना ही होगा। अच्छा पिल्लू, तू अपने बाबा से मिलना चाहता है ना, मैं तुझे बाबा से मिलवाऊंगी। लेकिन उससे पहले ना तुझे काम करना होगा। अभी अभी मैंने न्यूज पर यह खबर सुनी है साहब, अहीर के मौत से मल्हार तो एकदम टूट गया होगा। अभी अभी तो उसका भाई मिला था उसे। अहीर की हत्या हुई? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो अवनी के साथ शादी करने वाला है। हाँ, और साहब चौंकने की बात तो ये है कि उसकी हत्या किसी बच्चे ने की है। परमेश्वरा, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। समाना तो बद से बदतर होता जा रहा है साहब। कि कल्याणी जब रात रात भर बाहर रहती है ना तो मुझे तो उसकी बहुत चिंता होती है साहब। आज भी देखिए ना साहब, वो मुक्कू को ढूंढने गई है, फोन भी नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।